हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ अदानी पावर के शेयर के बारे में। स्टॉक में एक शानदार जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और इससे भी बड़ी बात है चार्ट पे एक शानदार ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें जो वॉल्यूम्स है कल के सेशन में वो माइंड ब्लोइंग होते हुए दिख रहे हैं। 31 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है एनएससी की साइट पे, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। मैं केवल एनएससी की बात कर रहा हूं। 31 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके मुकाबले आपको कल के सेशन में 102.4 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड होते हुए, 102 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखे हैं। 150 रुपए का शेयर हो चुका है, 143 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक की बात करूं तो कल अपना 144 का हाई लगाया है, डे हाई के पास बंद हुआ है। मार्केट में वॉलिटिलिटी थी, गिरावट थी, बट इस स्टॉक को कोई मतलब नहीं है। 8% की तेजी के साथ बंद हुआ है स्टॉक, और इसके वैल्यूएशन कंपेरिजन करोगे आप तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। स्टॉक का लाइफ टाइम हाई की बात करूं 167 है, जहां से स्टॉक गिरते गिरते 70 रुपए का रह गया था। बहुत पैनिक क्रिएट हुआ था, कंटिन्यू वीडियो बनाई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं, कंपनी बढ़नी चाहिए और काफी पॉजिटिव व्यू था, बट स्टॉक कंटिन्यू गिरता जा रहा था, रोज एक नया लो लगा रहा था। लेकिन पिछले 3 महीनों में शेयर आपको 50% का रिटर्न दे चुका है ऑलमोस्ट। और अगर बात करी जाए लेवल्स की तो कहीं ना कहीं अपना 166 जो कि इसका 52 वीक हाई है वहीं जाता हुआ दिख रहा है मुझे ये शेयर। देखिए, पावर के शेयर में जान पड़ती हुई दिख रही है। थोड़े पिछले कुछ दिनों में आपने देखा टाटा पावर भी शानदार तेजी दिखाता हुआ दिखा है। इस स्टॉक की बात करूं तो इसके मार्केट कैप 55,000 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है, और अदानी के सारे शेयर अलग ही ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, चाहे वो अदानी टोटल गैस हो या अदानी विलमार हो या फिर अदानी एंटरप्राइजेस हो। आप देख रहे हैं नए 52 वीक हाई पे कंटिन्यू स्टॉक्स आपको जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पास है अदानी पावर का शेयर या फिर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं और आपको लग रहा है यार बहुत चल गया, आप गिर ना जाए डर, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करता हूं। देखिए, बात करूं अदानी पावर के बारे में तो 150-155 रुपए के करीब इसमें लास्ट टाइम जो हाई लगे थे 167 के, वहां से घुमा था। जो लास्ट स्पाइक देखने को मिल रहा है 155 का देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें पता है 166 तक गया था स्टॉक, जहां से करेक्शन शुरू हुई थी स्टॉक में, और नीचे में शेयर 77 रुपए तक आता हुआ दिखा था। अभी ये शेयर 6 महीने, इनफैक्ट आपको मैं बता दूं 22 जून 2021 के बाद पहली बार 130 रुपए के ऊपर निकल के बंद होता हुआ दिखा है। हालांकि लास्ट में 136-138 के करीब आया था 2-4 दिन पहले ही, बट उसके बाद दोबारा नीचे आया। लेकिन अब जो ब्रेकआउट है वो बड़ा ब्रेकआउट है, यहां से डायरेक्ट आपको 160 और जो इसका 52 वीक है वो ब्रेक होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। और अगर वो ब्रेक होता है तो 200 रुपए तक ये शेयर आपको स्क्रीन पे जाता हुआ दिख सकता है। तो जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और जिस पे नहीं है अगर वो बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल बाय कर सकता है। यहां से ऊपर के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, बड़े टारगेट हो सकते हैं, बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जो लास्ट टाइम गलती हुई थी वो गलती ना करें। लोग क्या कर रहे हैं, छोटा शेयर देख के ज्यादा मोमेंट आ रही है दबा के खरीद लेते हैं, यानी 1,000 शेयर खरीद लिए 2,000। आप क्वांटिटी में मत खेलो, आप परसेंटेज में खेलो, आप कम पैसा लगाओ ज्यादा परसेंट के लिए और स्टॉप लॉस भी ज्यादा परसेंट करो, क्योंकि स्टॉक ये परसेंटेज में खेल रहा है, 8% ऊपर, 8% नीचे, 10% ऊपर, इस तरीके से। तो अगर आप हैवी क्वांटिटी में बाय करोगे जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में, आप कहीं बुरी तरह मुंह की ना खाएं, क्योंकि स्टॉक अगर मतलब धीरे धीरे अप्स एंड डाउन करके ऊपर जा रहा होगा, तो यहां से 143 से अगर नीचे 130 पे आया और आपने क्वांटिटी इतनी हैवी ली जो आप पे संभले ना, तो आप लॉस बुक कर लोगे और हो सकता है स्टॉक उसका 150 हो जाए, तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्वांटिटी में मत खेलो, परसेंटेज में खेलो। आप अगर कम खरीदते हो तो आप 10% का एसएल रखो, 20% का एसएल रखो, 120 रुपए पे एसएल रखो, 23 रुपए नीचे यहां से। तो आप क्या होगा, 100 शेयर खरीदो यार 23 रुपए का एसएल रखोगे 2300 रुपए, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना आप मार्केट में 60 रुपए का टारगेट लेके चलो, 200 का टारगेट लेके चलो, वो करोगे ना पैसा बना लोगे। अगर क्वांटिटी में खेल गए तो आपको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है सब कुछ ब्रेकआउट ब्रेक चार्ट पे, लेकिन आपसे यही होगा कि ज्यादा हैवी बाइंग ना कर लें अपनी लिमिट से ज्यादा, वो बस एक आपके लिए एडवाइस होगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद आप खुद भी अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करें, तभी शेयर में बाइंग
या सेलिंग करें। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में, इसका पीई बिल्कुल भी स्टॉक के प्राइस को मतलब स्टॉक के प्राइस से मैच नहीं खाता, इसका वैल्यूएशन जो है पीई जो है बहुत हाई हो रहा है, तो वो भी आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। ये होगी मेरी वीडियो अदानी पावर शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।